कल जिस तरीके से अंकिता मनारा विक्की मुन्नावर ये सारे के सारे झगड़े हुए हैं उसको लेकर अब काम्या पंजाबी ने एक बात कही है। तो टीवी से है यहाँ पर आप जानते ही अंकिता, उनके इंडस्ट्री में बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनको पर्सनली जानते हैं। और अब यहां पर काम्या ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है। वो लिखती है, अंकिता वाज डूइंग सो गुड, कितना अच्छा कर रही थी अंकिता, क्या हो गया है अब उसको? उसने क्या मनारा को सॉरी नहीं बोला था इसलिए क्योंकि उसने उसका नाम लिंक किया था उसके हस्बैंड के साथ? देन वाई डूइंग द सेम अगेन, लेकिन वो फिर से सेम चीज क्यों कर रही है अंकिता? वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, क्यों अपनी दोस्ती को ऐसे रिश्तों का टैग देना पड़ रहा है? बस करो और एंड स्पेयर मनारा, कि अब बस कर दो और अब छोड़ दो मनारा को। तो ये बात जो है अब काम्या ने अंकिता को लेकर कही है और साफ कहा है कि जो भी चीजें अंकिता कर रही हैं वो बहुत ही ज्यादा नेशनल टेलीविजन पर गलत दिख रही हैं और एक गलत मैसेज जो है वो जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या वाकई में जो चीजें अब कर रही है यहां पर अंकिता, और जिस तरीके से कल तू गोदी में बैठी है, लैप पर बैठी है, तू ये कर रही है, तू वो कर रही है, ये सारी बातें जो हुई हैं कल वो वाकई में बहुत ज्यादा जो है चौंकाने वाली हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि वाकई में जो चीजें अंकिता कल कर रही है, पहले मनारा को उसने सॉरी भी बोला और उसके बाद फिर से उसने उसी रिश्ते पर सवाल उठा दिया, उसी इक्वेशन पर जिस चीज के लिए वो सॉरी बोलती नजर आई। तो चीजें काफी ज्यादा जो है दिख, पहले एक रात तो सॉरी बोलती है, सुबह रात को वो रियलाइज, उसको रियलाइजेशन होता है, फिर अगले दिन बैक टू पेवेलियन। और यही जो उसकी चीजें हैं मनारा के साथ हो या फिर विक्की के साथ हो, ऐसे ही दिख रही हैं। तो वो लगातार जिस तरीके का गेम खेल रही हैं उसको लेकर ऐसा लगता है कि वो खुद भी कंफ्यूज है और ऑडियंस भी बहुत कंफ्यूज होता जा रहा है।